मैं प्रिया आपके साथ। सीबीआई ने मंगलवार को कस्टम विभाग के 2 डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया है। इन पर मुंबई में कस्टम के नाहवा सेवा इंपोर्ट सेक्शन में काम करने के दौरान भ्रष्टाचार करने और बिचौलियों के जरिए रिश्वत लेने का आरोप है। एक कस्टम ऑफिसर पर रिश्वत के 3.5 लाख रुपए की मसाज चेयर, 23,000 रुपए के जूते और 61,000 की वॉशिंग मशीन लेने के आरोप है। वहीं दूसरे पर हवाला के जरिए अपने घर पर 50 लाख रुपए भेजने का आरोप लगाया गया है। आरोपी अधिकारियों के नाम दिनेश और सुभाष चंद्रा है। हाल ही में सीबीआई ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सोमवार को इनके घरों की तलाशी भी ली गई थी। सीबीआई ने बताया कि आरोपी दिनेश और सुभाष ने कस्टम हाउस एजेंट सुधीर पाडेकर और आशीष कामदार को कस्टम एक्ट के ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम का गलत फायदा उठाने में मदद की। इस स्कीम के तहत ये दिखाया गया कि बाहर से इम्पोर्ट किया गया सामान घरेलू है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से कम है और उसे भारत लाने वाला व्यक्ति देश का स्थायी निवासी बनने जा रहा है। सीबीआई ने बताया कि कस्टम क्लियर करने वाले एजेंट ने भी इस स्कीम का गलत फायदा उठाया। उसने कलेक्शन एजेंट और कस्टम ऑफिसर की मदद से विदेश से लाने वाले कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जिससे कस्टम डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने नुकसान की मुख्य संख्या नहीं बताई है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।